लगता हूँ मैं तो एकदम गोरा होने वाला हूँ आज। ओह शिट 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 शिट, ओह माय गॉड, खा गए ओ भाई। हे गाइस, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट ब्लॉग। और आज हम लोग घूमने जा रहे हैं खजियार। यस फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग 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 पीरियड ऑफ टाइम, लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद, खैर कोरोना तो अभी तक चल ही रहा है, लेकिन हम सब के सब फैमिली घूमने जा रहे हैं और वो जा रहे हैं चंबा खजियार। खजियार बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है और इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। तो मेरी फैमिली ऑलमोस्ट निकल चुकी है गाड़ी में और मैं और मेरा ब्रदर, यहाँ बाइक की काफ़ी मेंटेनेंस चल रही है देख रहे हैं, तो हम लोग उन्हें कैच करने वाले हैं चुवाड़ी में। और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से नूरपुर से। सो नूरपुर से चुवाड़ी तक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 23 किलोमीटर समथिंग है। तो आप ब्लॉग को देखते रहिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। डिजिटली मेरे साथ खजियार देखिए और लेट्स गेट डाइव इनटू द वीडियो। आगे निकल चुका था लेकिन हमने इसे बिल्कुल 10 मिनट में ही यहाँ पे इसको कैचअप कर लिया सदमा में। सो अब हम इससे आगे जाने वाले हैं। सो रास्ते में पहुँचते यहाँ काली माता का बहुत ही भव्य मंदिर दिखा। जब तक हमारी फैमिली हमें कैच करती है हम यहाँ पे मत्था टेक लेते हैं। यही पहाड़े हम लोग क्रॉस करने के बाद ऊपर जोत में पहुंचेंगे, जोत के बाद हम खजियार पहुंचेंगे। सो चुवाड़ी यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 किलोमीटर रह चुका है जहाँ की हम लोग कुछ फैमिली मेंबर और ऐड होने वाले हैं। सो आप देखते रहिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं लाडू में जो कि यहाँ पे पुलिस का चेक पोस्ट है। सो बाहर से जितनी भी गाड़ी आती है तो हो सकता है कि आपकी चेकिंग हो सके यहाँ पे, अदरवाइज हिमाचल की गाड़ियों को चेक नहीं किया जाता है। तो रास्ता देख सकते हैं आप कितना ही ज़्यादा खराब है, एकदम धूल मिट्टी, बहुत ही बुरा हाल। सो मैं तो बिल्कुल लगता हूँ मैं तो एकदम गोरा होने वाला हूँ आज। ओह शिट 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 शिट, हम पहुँच चुके हैं चुवाड़ी में। ये चुवाड़ी का जो ऊपर यहाँ पे बाजार है और आपने जैसे देखा कि जो रास्ता था बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, हम बाल बाल गिरते गिरते बच गए। और बाल से याद आया, मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा बेहाल। तो पीछे बस आती हुई नेशनल जो कि ये भी चंबा जा रही है बस, और मेरी फैमिली की गाड़ी अभी पीछे आने ही वाली है, देखते हैं कहाँ पे पहुँचे वो लोग। जैसे कि मैं बता रहा था कि फैमिली मेंबर ऐड होने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारे गुरुजी आ चुके हैं। गुरुजी हाय कर दीजिए। सो गाइज, ये फैमिली मेंबर ऐड हो चुके हैं और हमारी गाड़ी कहाँ रह गई। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली गाड़ी आ गई बहुत वेट के बाद, देख सकते हो। रुकिए रुकिए रुकिए, आ चुके हैं। मुझे मेरा सामान लेना, जैकेट लेना है मुझे। मेरी जैकेट दे दो। दोस्तों मैंने अपनी जैकेट ले ली है बिकॉज ऊपर बहुत ही ज्यादा ठंड होने वाली है। सो देख सकते हैं आप मेरी ये जैकेट। सो ये तो कैसा लग रहा है आप लोगों को। मिलते हैं हम जोत में, ठीक है फिर। क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे सबके सब बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप YouTube में। हेलो बोल दो सबके सब। हेलो हाय। सो अब हम लोग यहाँ से बिछड़ने वाले हैं, अगला पड़ाव होने वाला हमारा जोत। और जोत यहाँ से लगभग 23 किलोमीटर है। सो हम लोग जोत में मिलने वाले हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट जोत पहुँचने वाले हैं। जोत यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर है और मैं यहाँ पे रुका क्योंकि मुझे यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा।
तो मैं आपको अपने बैक कैमरा से पीछे का व्यू दिखाता हूँ और पहाड़ों का व्यू आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चुके हैं, बस थोड़ा ही सही आ गया, मैं यहाँ पे रुका हूँ और क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है। यहाँ पे गदर मूवी शूट हुआ था जब अमीषा पटेल से गहने मांगे जाते हैं जबरदस्ती। तो आप देख सकते हो वो पीछे का घर, मैं आपको हाँ वो वाला घर देखिए, वो वाले घर में वो शूट हुआ था। हाँ, और ये मैं आपको मोड़ दिखाता हूँ जहाँ से कौन सी गाड़ी आती है, अमरीशपुर की गाड़ी आती है आई गेस ना। तो आप देख सकते हो ये वाला जो मोड़ है, इस मोड़ से अमरीशपुरी की गाड़ी आती है और ये इस मोड़ से सामने वो वाला घर दिखता है। देखिए आप देख सकते हो वो वाला घर। सो अभी तो काफी मॉडिफाइड हो चुका है, बिल्डिंग्स बन चुकी है और आप व्यू देख सकते हो यहाँ का। सो दोस्तों आप पीछे देख सकते हो ये जोध का एक यहाँ पे मार्केट है। अपने अपने को देख रहे शीशे पे, भाई अच्छा दिख रहा है, हैंडसम दिख रहा है। सो अब इससे आगे हम लोग जाने वाले हैं खजियार, जो कि यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर है। सो मिलते हैं वहीं पे। यहाँ पर बिहाइंड द सीन चला हुआ है, सबके सब अपने अपने फोटो खिंचाने में बहुत व्यस्त है। देखिए आप वहाँ दीदी लोग, यहाँ पे मेरे भांजा भांजी भाई बहन सबके सब बहुत ही बिजी है। देख सकते हो आप यहाँ का व्यू, वो गदर मूवी की शूटिंग जो हुई थी वो वाला व्यू और बैक व्यू आप देख सकते हो आराम से। इतना ब्यूटीफुल है, कितना सूथिंग एंड काम, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। So, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है एकदम फ्रेश हवा के साथ। आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कितने सारे टूरिस्ट जो कि डिफरेंट जगह से और आई थिंक पंजाब से भी काफ़ी आ रहे हैं। लॉकडाउन हिमाचल में तो ऑलमोस्ट खुल चुका है, इन लोगों को काफ़ी भूख लग रही थी तो बाकी तो सबके साथ फ़ोटो खींचने में व्यस्त हो गए, लेकिन हमें भूख लग रही थी तो हम सोचे थोड़े नीचे आके, यहाँ पे एक शिवाय कैफ़े है आप देख सकते हो, दार शिवाय कैफ़े मेरे पीछे, यहाँ पे हम कुछ स्नैक्स खाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे खजियार के पास। हमने अभी अंदर जाके कुछ खाना खाया और खाना ठीक ही था, लेकिन पोर्शन बहुत ही ज़्यादा कम था और मतलब कि सर्विस बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। तो मेरे भाई को तो बिल्कुल कैसा रहा, कैसा लगा
भाई को एकदम बीच में गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि सर्विस बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। तो गाइज हम ऑलमोस्ट अब यहाँ पे खजियार वाले वे पे है। सो आप पीछे का व्यू देख सकते हो कितना अच्छा, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। सो देखिए आप यहाँ का व्यू, बहुत ही ठंडी हवा और एकदम मस्त वेदर, ऑसम। देख सकते हो भाई हिमाचल की ब्यूटी तो इट्स कमेंडेबल। सो आप देख सकते हो वो जो रास्ता जा रहा है वही खजियार की तरफ है। सो हम लोग यहाँ पे जाने वाले, बस पहुँचने वाले हैं, यहाँ से ऑलमोस्ट सिर्फ 5 ही किलोमीटर है। सो बने रहे आप वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली गाइस हम लोग खजियार पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले तो मुझे अपनी फैमिली को ढूंढना है कि वो कहाँ पर है, उनका ट्रैवलर कहाँ जैसे है। हमें हमारी गाड़ी मिल चुकी है और वो रहा हमारा ट्रैवलर पीछे, और मेरी फैमिली वो लोग यहाँ से इस रास्ते से होते हुए आगे की तरफ गए हैं, मैं भी बस वहीं जा रहा हूँ। सो फाइनली मैं खजियार के यहाँ पे एक बहुत बड़े ग्राउंड में खड़ा हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे खजियार का व्यू, क्यों इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, इसके पीछे का राज। सो हम लोग यहाँ पे अभी ग्राउंड में घूम रहे हैं, भाई ने तो गाना बजा दिया है साथ में ही, भाई कॉपीराइट आ जाएगा मेरी वीडियो पे। तो आप देख सकते हो व्यू पीछे का। सो हम आगे की तरफ जाने वाले हैं, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बैलून्स हैं, देख सकते हो आप यहाँ का व्यू। बहुत अच्छा गा रहे थे हिमाचली फोक। सो बहुत भूख लग रही है अब तो, इट्स टाइम टू हैव सम फूड, और उसके बाद थोड़ा सा खजियार को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे सब खाने लग पड़े, सब खाने लग पड़े यहाँ पे। हमें भी खाने दीजिए, हम भूखों को भी पूछ लीजिए कोई प्लीज। तो ये मेरा खाना यहाँ पे, अब मैं खाने वाला हूँ। सबके सब खा रहे हैं यहाँ पे, भाई खा ले, तो बुरी तरह से खा रही है यहाँ। सो गाइस ये है मेरा खाना, अंडा आलू की सब्जी, मैं खाने वाला हूँ। सब मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, चलो गाइस खाता हूँ उसके बाद मिलता हूँ फिर। सो गाइस खाना खा लिया, पेट फुल, क्योंकि हमने चुपके से पहले भी खा लिया था और यहाँ भी खा लिया फैमिली के साथ। देख सकते हैं आप छोटा सा छोटा खरगोश, देख सकते हो आप। सो गाइज मैं अभी यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करने वाला हूँ, आप देख सकते हो पीछे मेरे यहाँ पे हॉर्स है। सो मैंने बहुत ही कम किया हॉर्स राइडिंग, थोड़ा सा डर लग रहा है। सो चढ़ते हैं इसके ऊपर और बताते कैसा फील होता है।
तो गाइज मैं चढ़ चुका हूँ घोड़े में, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अजीब सा लग रहा है, डर भी लग रहा है। गाइस मेरा तो हो गया हॉर्स राइडिंग, एक अद्भुत ही एडवेंचर था। भाई बहुत खतरनाक साउंड है इसकी। थैंक यू सो मच ऋषभ भाई। सो यहाँ पे एक लेक है, इस लेक को देखते हैं चलो। सो क्या बात है जी। हम क्या देखने जा रहे हैं? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ, बाहर निकालो, मर जाएगी। देख रहे हो छोटा सा लेक है यहाँ पर और बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पर, आप मछली देख पा रहे हो? कहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ वहाँ पे? वे गोलगप्पा देना, 20 के 6 है, 3 तू खाएगी 3 मैं खाऊंगा। ठीक है हम लोग खट्टे मीठे करना। हाँ जी मम्मी तो देर मिर्च आ गए, थोड़ा स्पाइसी करना तीखा। खा ले, कैसा लग रहा? यम्मी। ओ माय गॉड, खा गए? ओ भाई इधर देखो मामू, मैं बच्चे को से के। ओह माय गॉड, ना ना मैं और मनोज ओ भाई पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं वहां पे। गाइस बहुत ज़्यादा घूम लिया, बहुत ज़्यादा मस्ती कर लिया, एंजॉय कर लिया। अब घर जाते हैं। अब कहाँ जाना है हमने? सो गाइस अब टाइम आ गया ब्लॉग को एंड करने के लिए। भाई तू बोल ले। आप बोल लो भाई। सो गाइस अब ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग। सो अगर
अगर आप डिजिटली इंजॉय करना चाहते हो तो प्लीज मेरी वीडियो को देखना, और आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि ये मेरा वेरी फर्स्ट ब्लॉग है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, और आप जरूर आइए यहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि आप यूरोप स्विट्जरलैंड कहीं नहीं जा सकते इस टाइम, बहुत मुश्किल है। सो बेटर है कि आप यहाँ पर आइए घूमने के लिए, हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है खजियार। सो आइए, प्लीज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, सो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और मैं इसी तरह बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आऊँगा अपने चैनल में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।